दोस्तों आज का कुछ वीडियो अलग होने वाला है क्योंकि इस चैनल पर मैं लेके आया हूँ एक न्यू पीसी सेटअप जिसकी तैयारी मैं बहुत दिनों से कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे इस चैनल पर कुछ वीडियोस जल्दी जल्दी नहीं आ पा रहे थे। और फ्रेंड्स साथ ही मैं यहाँ पर एक नया चैनल लेकर आया हूँ जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई कार्ड में भी देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर आपको जो भी वीडियोज़ मिलेंगी वो कंप्यूटर से रिलेटेड मिलेंगी क्योंकि मेरे इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ मिक्स हो जा रही थी जिसके वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो कुछ लोगों का कहना था कि सर आप इसके लिए एक सेपरेट चैनल लेकर आइए जहाँ पर आपको सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो होनी चाहिए। तो फ्रेंड इसके लिए मैं ये चैनल लेकर आ चुका हूँ जो कि टेक्निकल ज्ञान है, और यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो कंटेंट देखने के लिए मिलेंगे जो कि पीसी बिल्ड से रिलेटिव होंगे। साथ ही यहाँ पर आप एक कंप्यूटर बनाने के लिए किस किस चीज़ों का जरूरत होती है, क्या क्या एक्सेसरीज होती है, उससे रिलेटिव आपको वीडियोज़ मिलेंगे, जो भी प्रॉब्लम सोल्यूशन है उसके वीडियोज़ मिलेंगे। ऐसे सारे वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो साथ ही आपको जैसे मैंने बताया आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई कार्ड में भी देखने के लिए मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर विजिट जरूर करें। तो चलिए फिर मैं जल्दी से अपना न्यू पीसी सेटअप दिखा देता हूँ। मेरा नाम है सुमित मौर्य, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि फ्रेंड मैं इस तरह की वीडियो देखकर यहाँ पर आता रहता हूँ। क्योंकि फ्रेंड मुझे उम्मीद है आपने जिस तरह से प्यार मेरे इस चैनल को दिया है उसी तरह से आप मेरे नए चैनल टेक्निकल ज्ञान को भी देंगे। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर जल्दी से हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे आपको मेरे पीछे के साइड में दिख रहा होगा जो कि मेरे पीछे सेटअप दिख रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको अपने बैक कैमरे से दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें मैंने यूज की हैं और किस तरह से आपको यहाँ पर दिखेगा व्यू। तो चलिए मैं जल्दी से अपने बैक कैमरे की तरफ ले चलता हूँ आपको और उससे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड कुछ आपको इस तरह से मेरा जो सेटअप दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल लगा रखी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कंप्यूटर से, तो जैसे कि आपको यहाँ से सबसे पहले दिख रहा है जो कि मैंने यहाँ पर मॉनिटर लगा रखा है, ये जो मॉनिटर है वो LG कंपनी का है जो कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है। और आपको यहाँ पर मेरे चैनल की ब्रांडिंग दिख जाएगी जो कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लगा रखी है। तो आपको ये किस तरह से दिख जाएगा, और जैसे कि मैं बात करूँ इस मॉनिटर की, तो ये बेजल लेस है, यहाँ पर स्लिम बॉर्डर बोलते हैं इसे, तो ये इस तरह से मैंने इसे लगा रखा है। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो मॉनिटर है वो मेरा 24 इंच का है। साथ ही फ्रेंड यहाँ पर मैं बात करूँ इसके CPU की, तो CPU आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो कि मैंने चीज़ें लगाई हैं, तो इन सब का आपको वीडियोज मेरा सिंगल सिंगल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने मदरबोर्ड यूज किया है और जो कि प्रोसेसर यूज किया है, तो यहाँ पर AMD Ryzen 5 मैंने यूज किया है, और साथ ही मैंने जो मदरबोर्ड किया है वो 2F गेमिंग का मदरबोर्ड यूज किया है। साथ ही मैंने एक ग्राफिक कार्ड यूज किया है 4GB का, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर ब्रांडिंग ASUS की दिख जाएगी आपको, और बहुत सारी चीज़ें आपको दिख भी रही होंगी। और साथ ही फ्रेंड यहाँ पर जो मैंने रैम यूज़ की है वो 8GB की 2 RAM यूज़ की है जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और जो ये मदरबोर्ड है ये यहाँ पर Aura Sync, आप यहाँ पर RGB फैन भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं इस मदरबोर्ड से। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं जब बता दूंगा, जब मेरा इसके सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे उसके माध्यम से आपको सब पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा इस पर खर्च किया है और यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं जिनका लाभ अब मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने ये सिस्टम को अपने वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के हिसाब से लगाया है, जो कि यहाँ पर इस तरह से मेरे दिख जाए आपको दिख भी रही होंगी। और साथ ही यहाँ पर मैंने आपको नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो SMPs वगैरह, तो इन सब के आपको वीडियोज़ मेरे देखने के लिए मिल जाएंगे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता जाएगा। साथ ही वो सारे वीडियो एक एक करके मैं यहाँ पर चैनल पर अपने टेक्निकल ज्ञान पर लेकर आता रहूँगा। और साथ ही फ्रेंड आप सामने से देखें तो कुछ CPU इस तरह से यहाँ पर ये आपको दिख जाएगा। ये जो CPU है यहाँ पर आपको जो 4 यहाँ पर फैन मिल जाते हैं जैसे प्री इंस्टॉल हैं, एक पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा, 3 फ्रंट के सामने हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट की तरफ से आने वाला कैबिनेट है, तो इसमें आपको प्री इंस्टॉल मिलते ही हैं। ये चीज़ें सारे आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे परचेज करने के, भी आपको सब चीज़ें मिलेंगी मेरे आने वाले वीडियो में जो कि आपको मैं यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा। अभी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, अभी वीडियो अपलोड करना मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि मेरा चैनल ये नया है। तो साथ ही फ्रेंड ये इस तरह से आपको ऊपर की तरफ दिख जाएगा, और ये जो आप सामने देख रहे हैं इस चीज़ को आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये लाइट वगैरह इसकी चेंज भी हो जाती है। तो ये RGB फैन हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी कलर बदलते हैं, आप जिस तरह से चाहें उसको सेट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे मॉड अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स साथ ही यहाँ पर जो मैंने माउस लगा रखे हैं, यहाँ पर 2 माउस हैं, तो एक ये मेरा ब्लूटूथ माउस है जो कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जो LabCare कंपनी का मैंने लगा रखा है, वो किस इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पर ये लगभग बेसिक है और काफ़ी अच्छा काम करता है जो कि मैं इसे लगातार यूज करता ही हूँ। और ये जो जो डेल का एक माउस है जो कि आपको इस तरह से दिख जाएगा, तो ये बेसिक है, ये USB केबल के साथ है, इसको मैंने लगा रखा है, जो कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है। एक केबल माउस है, एक यहाँ पर ब्लूटूथ माउस है, और ये सारी चीज़ें आपको जैसे कि मैंने बताया आपको हर चीज़ का एक वीडियो मिल जाएगा जो कि आपको मेरे टेक्निकल ज्ञान चैनल पर मिलेगा, वहाँ पर आप विजिट करके देख लेंगे। जो कुछ वीडियो जो है नहीं आए हैं तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे धीरे धीरे समय के साथ में, और उनका लिंक आपको इसी वीडियो के माध्यम से बाद में मिल जाएगा। और साथ ही मैं बात करूँ यहाँ पर
एक कीबोर्ड मैंने यहाँ पर लगा रखा है जो कि अभी बेसिक कीबोर्ड है, जो कि मैंने अभी गेमिंग कीबोर्ड है वो ऑर्डर कर रखा है, वो जल्दी आ जाएगा तो मैं आपको उसका रिव्यू करके दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग, तो वो चीज़ मिल जाएगी। और ये जो कीबोर्ड है यहाँ पर जेब्रोनिक का है, एक नॉर्मल कीबोर्ड है, यहाँ पर जो बेसिक कीबोर्ड बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ मैं इस तरह से आपको दिखा देता हूँ, इसका व्यू एंगल इस तरह से है यहाँ पर। और साथ ही प्रण ये जो टेबल है, मैंने एक टेबल लगा रखी है तो आपको इस तरह से दिख जाएगी। तो अभी मैंने ये जो सेटअप किया है, बाकी बहुत सारा अभी सेटअप बाकी है, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह स्ट्रिप लाइट लगाना बाकी है। और साथ ही प्रण यहाँ पर मैं बात करूँ, नीचे की तरफ बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ बोर्ड वगैरह लगा रखे हैं, यहाँ पर मैं अपने मोबाइल चार्जर वगैरह भी करता हूँ। और साथ ही प्रण यहाँ पर आपको कुछ मेरा साउंड सेटअप दिख जाएगा, वो नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है। साथ ही यहाँ पर मैंने यूपीएस रख रखा है यहाँ पर, जो कि पावर सप्लाई के काम करता है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सेटअप कर रखा है मैंने, और कुछ इस तरह से है। और साथ ही मैं यहाँ पर नॉर्मल चेयर यूज़ करता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगी। और ये मेरा जो ट्राइपॉड है, इसी से ही मैं अपने सारे वीडियोज़ शूट करता हूँ। साथ ही यहाँ पर एक आपको माइक लगा दिख रहा होगा, जो बोया का माइक है। तो इन सब के सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे मेरे इसी चैनल पर, जो टेक्निकल ज्ञान है, तो उस पर आप जाकर देख लीजिएगा। और साथ ही प्रण यहाँ पर इस तरह से मेरा कुछ जो फाइनल सेटअप जो इसी तरह से है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी यहाँ पर लगाई नहीं है, और उसको धीरे धीरे मैं यहाँ पर सेटअप कर लूँगा। तो ऐसे ही मैंने सेटअप किया, थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था, वीडियोज़ मेरे रोज़ नहीं आ पा रहे थे। और साथ ही प्रण जो मेरा ये चैनल है वो आपको दिख जाएगा, और जो नया चैनल है वो ये टेक्निकल ज्ञान है उसका लोगो कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो आप इसे जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यहाँ पर विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलने वाले हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटिव रहेंगे, और वहाँ पर आपको सारे सोल्यूशन भी मिलेंगे जो कंप्यूटर से रिलेटिव हैं। तो फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर विजिट करें। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही आपको आई कार्ड में ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, ये कुछ मेरा रहा और यहाँ पर जो सेटअप किया है। तो यहाँ पर जैसे मैं विंडो की बात करूँ, तो जैसे कि आपको नीचे की तरफ दिख जाएगा, ये जो विंडो है मैंने विंडो 10 यूज़ किया है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो विंडो 10 है यहाँ पर आपको इस तरह से दिख जाएगा, तो मैं चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो विंडो 10 मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेसर वगैरह है मैंने AMD राइजन 5 यूज़ किया है, जैसे मैंने आपको बताया। और जो मैंने पे यहाँ पर रैम यूज़ की है वो कोर्सियर वगैरह की रैम यूज़ की है, जो कि 16 GB 8-8 GB की दो रैम लगाई हूँ। तो इन सभी के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं, और साथ ही जो कि मैंने यहाँ पर जो वीडियो एडिटिंग के लिए क्या यूज़ करता हूँ, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, उन सभी के सारे वीडियोज़ रहेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो इसी मैं बता दूँ अभी जो वीडियोज़ फिल्म में, साथ ही मैं यहाँ पर जो वीडियो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, वो विंडो जो कि यहाँ पर बेंडर शेयर फिल्मोरा का जो कि मैं है वीडियो एडिटर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से हैं, इससे रिलेटेड भी आपको सारी वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, जो कि इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। तो इन चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ, अपने सारे वीडियो एडिट इसी कंप्यूटर से ही अब करता हूँ। तो अब जो आने वाले वीडियोज़ है वो सब इसी के ज़रिए आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर मैं इसी के ज़रिए यहाँ पर एडिट करता हूँ। तो मैं कुछ आपको जैसे वीडियो जो अभी समय एडिट कर रहा हूँ तो उसको दिखा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। तो इस तरह से मेरा जो वीडियोज़ वगैरह यहाँ पर एडिट चल रहे हैं, तो इसी के जरिए मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ, क्योंकि आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहीं पर मैं सारे अपने वीडियोज़ एडिट करता हूँ, यही जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर, और जितने भी वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर सब आते रहेंगे। और जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पर अपने नए चैनल टेक्निकल यहाँ पर लेकर आता रहूँगा। साथ ही इस चैनल पर भी आपको वीडियो जल्दी जल्दी देखने के लिए मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे वीडियोज़ को समय से रुक गए थे। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर मैं जल्दी से वीडियो लेकर आऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से मेरे चैनल पर जाएँ टेक्निकल ज्ञान पर, और उसे विजिट करें और सब्सक्राइब करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक शेयर करें, और उन्हें पता चले जैसे कि आपने मेरे पुराने चैनल को प्यार, जैसे कि आपने मेरे इस चैनल को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखा है, और साथ ही आपने काफ़ी सब्सक्राइब किए हैं, और साथ ही आप मेरे वीडियो को देखते रहते हैं, तो उस चैनल पर भी जाकर आप मेरे वीडियोज़ को देखें। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।